आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए महापुरुषों के समाधि स्थल से रिलेटेड महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न को देखेंगे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम व्यू से। तो चलते हैं प्रश्न के ऊपर। मैं बता दूं कि अगर महापुरुषों से समाधि रिलेटेड अगर प्रश्न पूछता है तो यह 15 प्रश्न से बाहर नहीं पूछेगा। यह 15 प्रश्न आपके लूसेंट के बुक में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं वो सभी बुक में दिए हुए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैंने इसे कलेक्ट करके जो है आपको बता रहा हूँ, आप एक एक करके बड़ी बारीकी से इसे समझेंगे, याद कर लेंगे, समझ गए। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है कि राजघाट किसकी समाधि स्थल है। राजघाट जो है दिल्ली में है और यहाँ पर जो है निम्नलिखित में से जो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी जी की जो है समाधि स्थल है, किनकी है, महात्मा गांधी जी की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि शांति घाट किसकी समाधि स्थल है। तो याद रखिएगा, शांति घाट जो है जवाहरलाल नेहरू की जो है समाधि स्थल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। मैं यहाँ पर ऑप्शन भी दिया हूँ, प्रश्न भी दिया हूँ, आप लोग देख लेंगे। राजघाट जो है महात्मा गांधी जी की समाधि स्थल है, शांति घाट जो है आपके जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल है, जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड प्रश्न, ये देखिए थोड़ा सा ये हो गया, ये देखिए थर्ड प्रश्न जो आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि विजय घाट किसकी समाधि स्थल है। तो विजय घाट जो है यह आपको जो मैं बता दूं कि लाल बहादुर शास्त्री जी की जो है समाधि स्थल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि शक्ति स्थल किसकी समाधि स्थल है। तो शक्ति स्थल जो है मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी जी की समाधि स्थल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, याद रखिएगा। विजय घाट किन की समाधि स्थल है, लाल बहादुर शास्त्री जी का, और शक्ति स्थल जो है इंदिरा गांधी जी का है। आगे देखते हैं, तो आगे का प्रश्न जो है आपका यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर है कि किसान घाट किसकी समाधि स्थल है। तो किसान घाट जो है निम्नलिखित में से जो है चौधरी चरण सिंह जी की जो है समाधि स्थल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि एकता स्थल किनकी समाधि स्थल है। तो एकता स्थल जो है ऑप्शन देख ले, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, ज्ञानी जैल सिंह, जगजीवन राम। तो देखिए, जो आपका एकता स्थल है यह आपका ज्ञानी जैल सिंह जी का जो है समाधि स्थल है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका सी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ प्रश्न है कि नारायण घाट किसकी समाधि स्थल है। तो जो आपका यहाँ पर नारायण घाट है यह निम्नलिखित में से जो है यह आपके गुलजारी लाल नंदा जी का जो है समाधि स्थल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला यहाँ प्रश्न है कि अभय घाट किनकी समाधि स्थल है। तो अभय घाट जो है निम्नलिखित में से जो है मुरारजी देसाई जी की जो है समाधि स्थल है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो याद रखिएगा, चैत्रा भूमि काफ़ी महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है, चैत्रा भूमि जो है यह किनकी समाधि स्थल है। तो देखिए, यह जो है B.R. अम्बेडकर जी की जो है समाधि स्थल है चैत्रा भूमि, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका ए होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला यहाँ प्रश्न है कि समता स्थल किनकी समाधि स्थल है। तो समता स्थल जो है निम्नलिखित में से जो है यह आपके जगजीवन राम जी की जो है समाधि स्थल है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए, महाप्रयाण किनकी समाधि स्थल है। महाप्रयाण जो है निम्नलिखित में से किनकी समाधि स्थल है, V.R. अंबेडकर, राजीव गांधी, राजेंद्र प्रसाद, K.R. नारायण। तो देखिए, महाप्रयाण जो है निम्नलिखित में से राजेंद्र प्रसाद जी की जो है समाधि स्थल है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर है कि उदय भूमि जो है किनकी समाधि स्थल है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, K.R. नारायण जी की जो है समाधि स्थल उदय भूमि है, समझ गए। आगे देखिए, वीर भूमि किनकी समाधि स्थल है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जाता है। तो वीर भूमि जो है निम्नलिखित में से राजीव गांधी जी की जो है समाधि स्थल है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न ही है हमारा, यह दो देख लीजिए। कर्म भूमि किनकी समाधि स्थल है। तो कर्म भूमि जो है निम्नलिखित में से देख लीजिएगा, V.R. अंबेडकर, अटल बिहारी वाजपेयी, राजेंद्र प्रसाद, शंकर दयाल शर्मा।
तो कर्म भूमि जो है निम्नलिखित में से जो है शंकर दयाल शर्मा जी की जो है समाधि स्थल है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और यह हमारा लास्ट प्रश्न है, इससे बाहर नहीं पूछेगा। अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं पूछेगा। राष्ट्रीय स्मृति स्थल किनकी समाधि स्थल है, तो राष्ट्रीय स्मृति स्थल जो है निम्नलिखित में से जो है आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो है समाधि स्थल है, तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।